हेलो एवरीवन, वेलकम टू री टैरो 1111 गणपति बप्पा मोरिया। ठीक है, आज है गणेश चतुर्थी स्पेशल रीडिंग और आज हम देखने वाले हैं आपके कौन से ऑब्स्टिकल्स है, क्या सोल्यूशन है उसका। गणपति बप्पा इस गणेश चतुर्थी में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं फ्रॉम माय हैंड रिटन मैसेजेस। सो ढेर सारी चीज़ें हैं जो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान से बप्पा का नाम लेके आपको एक जो है ऑप्शन चूज करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है ये ब्यूटिफुल सा क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट वाइट कलर का, ओके। और सेकेंड ऑप्शन है ये ब्यूटिफुल सा सनस्टोन ब्रेसलेट। अच्छे से जो है वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पप्पा का नाम लेके अपना पाइल सिलेक्ट करें, ओके। सो लेट्स बिगिन टुडेज रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप वन, जिन लोगों ने ये प्यारा सा क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट चूज किया है, चलिए देखते हैं कि बप्पा आज आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं। ये आपका थीम कार्ड होने वाला है। हम देखेंगे आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्या चल रही है, उसका सोल्यूशन क्या है। पप्पा इस गणेश चतुर्थी पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, ओके। एंड ऑल्सो हम लोग मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से स्पेसिफिक चीजें भी देखेंगे अलॉन्ग विद गाइडेंस। सो कुछ भी स्किप ना करें, पूरा रीडिंग जरूर देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपके थीम से। एंड यस, मैं बताना चाहूँगी ये एक जनरल मैसेज है। सो जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करती है जनरल रीडिंग में वो ले लीजिए, जो ना रेजोनेट करती है लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, ठीक है, सबके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आपका थीम कार्ड, ओके। सो आपके लिए यहाँ पे आए हैं चैलेंज, लाइटनिंग नंबर 5, ओके। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है हाल ही में ही कुछ चैलेंजिंग टाइम्स आई है और सडनली आई है, ठीक है। ये जो लाइटनिंग है ना वो सडनली स्ट्राइक करती है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है मे बी बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस चैलेंज को जो है अपने लाइफ में देखा है और आप थोड़े से शॉक हो गए हैं या फिर सरप्राइज हो गए हैं, क्योंकि आप ये दूर दूर तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। बप्पा बोल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी चैलेंजेस आए, क्योंकि आप सबको पता है बप्पा जो है हमारे वो विघ्नहर्ता के नाम पे जाना जाते हैं, यानी कि वो भगवान जो ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। आपके ऑब्स्टिकल तो हम जरूर देखेंगे क्या है, बट आपके थीम कार्ड से बहुत क्लियर है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस जरूर आई है, जिसके वजह से आपको जो है उससे मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करेज चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये इमोशंस रिलेटेड कोई चैलेंज हो सकता है, लाइक योर रिलेशनशिप, योर फैमिली। गाइज, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा बेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं ये फेस्टिव टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा वो बैंड बाजा की आवाज़ आ रही है। सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपके इमोशंस में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास कोई बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आई है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज योर हार्ट चक्रा इज नॉट एक्टिव। या फिर हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू हैव दिस ब्लॉकेज, ओके। सो बहुत क्लियरली यहाँ पे चैलेंजेस जो है आपके लाइफ में है, बट डोंट वरी, बप्पा इज हियर। नंबर 5 ऑल्सो टॉक्स अबाउट चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स, चेंजेस, ठीक है। चलिए टैरो से देखते हैं कि आपके लाइफ में अभी फिलहाल क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, एंड देन वी विल सी उसका सोल्यूशन क्या है और फिर ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप 1। लेट्स सी क्या ऑब्स्टिकल्स चल रहा है ग्रुप 1 के लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरिफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आई है 6 ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे जो एनर्जी स्ट्रांगली प्रेजेंट है वो है कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वर्गो और केप्रिकॉन भी है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था इमोशंस को लेके इशू है, सो यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ कप्स, विच टॉक्स अबाउट कि आपको आपके पार्टनर मिलने में बहुत तकलीफ हो रही है। मे बी बहुत टाइम से आप सिंगल है, आपके परफेक्ट पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आपके अच्छे भले कनेक्शन थे उसमें अचानक से ये लाइटनिंग की जैसे कोई टावर मोमेंट आ गया है और आप लोग अलग हो गए हो, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो और आप लोगों का जो है रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके कोई लव्ड वन हाल ही में ही आपके लाइफ से चले गए हैं, गॉड फॉरबिड किसी की ग्रैंड पेरेंट्स जो है हो सकता है कि गुजर गए हैं, जिसकी वजह से आप एक इमोशनल लॉस से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो और उससे निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है।
विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं. आपको एक स्टेबल जॉब नहीं मिल रही है, अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई स्टेबिलिटी या ग्राउंडिंग नहीं मिल रहा है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हो, बिकॉज हेरिफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट मैरिज. हो सकता है आप मैरिड हो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बट स्टिल आपको वो सुख नहीं मिल रहा है जो आपको एज अ पार्टनर मिलनी चाहिए. ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे कमिटमेंट ना मिलने के वजह से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू इट्स पॉसिबल कि आप बहुत वेल एजुकेटेड हो, लेकिन आपको प्रॉपर जॉब या बिजनेस कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिसके वजह से आपके जो है बड़े लोगों से बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ी है, सोसाइटी से बातें सुननी पड़ी है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हो या फिर कोई नया चीज़ सीखना चाहते हो, लेकिन शायद उस कोर्स के लिए आपके पास फीस नहीं है या फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि कैसे उस चीज़ को करे जाए. ठीक है, सो डेफिनेटली डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आई है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है. प्लीज टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स. नंबर 6, नंबर 11, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 4 इज सिग्निफिकेंट. ओके, तो लेट्स सी आपके लिए सोल्यूशन क्या आ रहे हैं आपके ऑब्स्टिकल्स का. गाइज, अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर से प्रेस करें एंड ऑल प्रेस करें, इससे आपको सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती है. कमेंट करें गणपति बप्पा मोरिया, ठीक है, टू क्लेम हिज ब्लेसिंग्स. और पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें. ठीक है, अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके फॉलो कर लीजिए. मेरा कम्युनिटी भी अभी तक फ्री है, सो वो भी ज्वाइन कर लीजिए. एंड यस, मेरा इंग्लिश टैरो चैनल भी है, सो इफ यू लाइक पिक अ कार्ड रीडिंग्स इन इंग्लिश, डू सब्सक्राइब मी देयर एज वेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आपके लिए जो सोल्यूशन आ रही है वो है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखा रहे हैं कि अगर आपके अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही थी आपके करियर या फिर अपने लव लाइफ में, ठीक है, तो आपके लिए एक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. ठीक है, यहाँ पे पैसे भी होंगे, स्टेबिलिटी भी होगी. अगर लव रिलेटेड आप देख रहे हो तो फिर ये पर्सन जो है आपके लिए एफर्ट्स डालने में कोई कमी नहीं निकालेगा. ठीक है, डेफिनेटली विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन इज वेरी वेरी स्टेबल, कमिटेड. कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज आपके लाइफ से चली जाएगी, बिकॉज पीपल हु आर सिंगल, ठीक है, इनफैक्ट सेपरेटेड लोगों के लिए भी, ज्यादातर लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं. ठीक है, और ये एक ऐसा इंसान होगा जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. ओके, वेरी स्टेबल, नॉलेजेबल. एजुकेशन में भी आपको न्यू कोर्स यहाँ पे दिख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, पैसे इंप्रूव होते हुए आपके दिख रहे हैं. आई वोंट से कि आपके पैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा या फिर बहुत ज़्यादा एकदम से आ जाएगा, नो, बट इट विल बी अ स्टेडी ग्रेजुअल ग्रोथ. ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है. ऑल राइट, और क्या सोल्यूशन में आ रहे हैं? पेज ऑफ वॉन्ट्स. आपको बोला जा रहा है कि आपके सोल्यूशन में आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की जरूरत है. ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर वर्किंग है किसी भी चीज में, तो आपको थोड़ा सा इनोवेटिव चीजें, आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है, बिकॉज आप कंफर्ट जोन में रह के ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना आप चाह रहे हैं. दोनों पेज जो है ये चीज दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई हेल्पफुल इंसान आएगा जो काफी यंग होगा, उनका एनर्जीज बहुत हाई होगी, जिसके वजह से आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलने वाली है. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपका न्यू बेबी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू कलीग या बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव में आपके लिए नया रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है. ठीक है, पर जो भी इनका एज हो, इनका नेचर काफी यूथफुल नजर आ रहे हैं, एक्साइटिंग नजर आ रहे हैं. ठीक है, काफी एंथुसियास्टिक है अपने लाइफ में. एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है. एंड देन यू हैव गॉट दी वर्ल्ड कार्ड. सो सोल्यूशन में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रीलोकेशन आ रही है. सो अगर आप अपनी जगह चेंज करते हैं, अपना घर चेंज करते हैं, तो फिर आपके लिए काफी बरकत यहाँ पे नजर आ रही है. गुड लक डेफिनेटली आपके लिए आ रहे हैं. कुछ लोगों को थोड़ा सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन चीजों में एक्टिव होने की जरूरत है, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड अ न्यू पार्टनर और यू वॉन्ट टू जनरेट मोर बिजनेस. ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड दिखाते हैं कि आपको थोड़ा ग्लोबल कम्युनिकेशंस अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अपना बेस जो है थोड़ा सा इंटरनेशनल बनानी पड़ेगी अलॉन्ग विद डोमेस्टिक, तब जाके आपको वो चीज़ें हासिल होगी जो आप डिज़ायर कर रहे हो. ठीक है, सो उस चीज़ का खास ध्यान रखिए. लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लाइफ में, गणपति बप्पा क्या आ रहा है आपके लाइफ में. गाइज, आपको रीडिंग कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताएं, क्या रेजोनेट कर रही है वो भी ज़रूर बताएं.
यू हैव गॉट टॉयल एंड लेबर. सो हार्ड वर्क आप बहुत टाइम से कर रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, ठीक है. लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. ओके, कुछ लोगों का लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बचपन से आपको कभी भी कुछ चीजें इजीली नहीं मिली है. ओके, हो सकता है कि आपके सैटर्न जो है, शनि जो है, वो एक ऐसे हाउस में प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, जिसके वजह से आपको हर चीज बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके, डिलेज के बाद आपको मिलती है. ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर है दैट यू हैव बीन रियली वर्किंग हार्ड. बट द गुड पार्ट इज योर शिप्स आर कमिंग इन, यानी आपकी अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल, कनेक्शंस, ग्लोबल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्क, ठीक है, ये सारे चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी. सो डू गिव दिस अ ट्राई. ठीक है, नंबर 38, 11, 2, नंबर 36, 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट यहाँ पे आ रही है. ओके, लेट्स सी अ गाइडेंस कार्ड एंड उसके बाद मेरे जो हैंड रिटन मैसेजेस है उससे देखेंगे स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में क्या आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू ऑन दिस ब्यूटीफुल गणेश चतुर्थी. इस टाइम पे आप जरूर रेमेडीज करें अबंडेंस की, प्रोस्पैरिटी की, हैप्पीनेस की, ऑब्स्टिकल्स रिमूवल की, ये सारी चीजें इस टाइम पे बहुत अच्छा काम करेगा. ठीक है, ओके, यू हैव गॉट गाया अर्थ कनेक्शन. Be mindful of the planet, come back to earth, stay grounded. So आपके लिए मैसेज है कि आप जो भी करें मेक श्योर कि आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें. ठीक है, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करें. ओके, यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड, उसके वजह उसके लिए रूट चक्रा जो है बैलेंस्ड होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल. ऑल राइट, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहे हैं मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से. वॉट आर द स्पेशल ब्लेसिंग्स दैट यू आर गेटिंग. Okay, I'll take 6 and one more, 7. चलिए देख लेते हैं what's coming up. Permission. अगर आपको किसी चीज की परमिशन चाहिए थी पेरेंट्स से, हायर अथॉरिटी से, सीनियर से, पार्टनर से, वो परमिशन आपको यहाँ पे मिल रही है ट्रैवल के लिए या फिर और भी चीजों के लिए. सरप्राइज, तो आपके लाइफ में एक स्वीट सरप्राइज यहाँ पे आती हुई दिख रही है. वेरी नाइस. Then you have got gifts and good wishes. So, कुछ लोगों का birthdays अगर आ रही है, happy birthday in advance. Okay, gifts, good wishes आपके लिए आ रही है. Next हमारे पास है proposals. Yes, definitely proposals आ रहे हैं. Pages के इतने cards हैं. So, definitely new opportunities, love and work business proposals are coming in. Baby, definitely कुछ लोगों के लिए baby आ रहे हैं आपके लिए. Okay, very nice. Then you have got over here लव फ्रॉम फैमिली. सो अगर फैमिली रिलेटेड इश्यूज था, जैसे मैंने बोला था कि शादी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली इन लॉज में प्रॉब्लम्स चल रही है, अपने घर वालों से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो चीज यहाँ पे सॉर्ट आउट होगी. एंड बिफोर द लास्ट मैसेज जल्दी से कर दीजिए लाइक वीडियो को, चैनल को करिए सब्सक्राइब, कमेंट करें गणपति बप्पा मोरिया और पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले. ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Wow, and the last message is so beautiful, love. So all the singles get ready to get mingle. Okay, I wish aapko reading achhi lagi hai, zarur mere ko batana. Until next time, this is Ree saying bye. Hello my beautiful group, two people who have chosen this beautiful sunstone bracelet. Let's see aapke liye kya aa rahe hai. Ye aapka theme card hone wala hai aur uske baad hum tarot oracle se aur mere handwritten messages se dekhenge ki aapke obstacles kya hai uska solution. Aapke liye Ganpati Bappa kya blessings leke aa rahe hai is Ganesh Chaturthi ko. So don't miss anything, pura reading dekhe, theek hai. So reading shuru karne se pehle main batana chahungi ki ye ek general reading hai. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे आपको उसको ले लेना है, जो ना रेजोनेट करे आपको जाने देना है. और ये रीडिंग हर कोई देख सकता है, ठीक है, दिस इज फॉर एवरीबॉडी. ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपका थीम कार्ड. यू हैव ओवर हियर फायर, क्रिएटिविटी, बिग स्पाइट एंड नंबर 7. ओके, सो क्रिएटिविटी से यहां पे दिख रहा है कि आपके लिए बोला जा रहा है दैट यू नीड टू हार्नेस द पावर ऑफ योर सोलर प्लेक्सस चक्रा. ठीक है, आप एक्चुअली बहुत क्रिएटिव इंसान है, आप में कोई हिडन टैलेंट है जो शायद आप पहचानते नहीं हो. सो मेक श्योर कि आप उस चीज के बारे में थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि आपकी क्रिएटिविटी कहाँ पे है. ठीक है, बिकॉज उस क्रिएटिविटी से आप एक बहुत अच्छी फ्यूचर बना सकते हैं, यहाँ पे गणपति बप्पा बोल रहे हैं. ओके, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपना क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, नए नए चीजों को कैसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ऑल्सो इस कार्ड से मुझे एक चीज दिख रही है कि आपके हाथ कोई
बहुत बड़ी जैकपॉट लगने वाली है, ठीक है। अभी जैकपॉट मतलब हर एक के लिए पैसा नहीं होता, जैकपॉट कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस होती है, कुछ लोगों के लिए लव होती है, कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट होती है। सो आपके लिए वो जो चीज़ है, ठीक है, दिखाते हैं या दर्शाते हैं, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। एंड इट विल बी एन अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, आप समझ भी नहीं पाएंगे कहाँ से वो चीज़ें आपके लाइफ में आएगी। ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी ओवर हियर। आई कैन सी कि ग्रुप टू के लोग बहुत स्पिरिचुअल है, नंबर 7 यहाँ पे आए हैं, ग्रेट एनर्जी, ठीक है। आप में से बहुत लोग फायर साइंस के भी यहाँ पे हो सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी आपके ऑब्स्टिकल्स क्या है, उसके बाद हम बताएंगे उसका सोल्यूशन आपको कैसे मिल सकता है, ठीक है। एंड देन विल चेक योर ब्लेसिंग्स। लेट्स सी ग्रुप टू क्या है आपके ऑब्स्टिकल्स। फर्स्ट कार्ड यू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। टाइम की बहुत कमी है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप बिजी रहने वाले इंसानों में से है, बहुत ज़्यादा आपको जगल करनी पड़ती है, बहुत आपको बैलेंस करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है। मतलब आपके लाइफ में ना हमेशा एक हसलिंग वाला फेज चलती रहती है, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं होता जब आप सोचे कि मैं थोड़ा ब्रेस्ट ले लेती हूँ, बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, थोड़ा सा अपने आप को समय देती हूँ, अपने आप के लिए वक्त, ये चीज़ आपके लाइफ में नहीं है। और कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टायर्ड, एग्जॉस्टेड, बिजी नज़र आ रहे हो, ठीक है। बिजी नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि यहाँ पे आप जितना मैनेज कर सकते हो उससे ज़्यादा वर्क आपको दिया गया है, चाहे वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी है। आपके हेल्थ कुछ इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, ठीक है। ज़्यादा काम करने की वजह से हो सकता है कि आपको स्लीप इश्यूज कुछ हो रही है, या फिर आपको जो है पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रही है, हमेशा हाइपर एक्टिव आप रहते हो, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है, ये आपके ऑब्स्टिकल में आए हैं, जो दिखाते हैं कि जितनी स्पीड से चीज़ें आपकी लाइफ में आती है उतने स्पीड से वो चली जाती है, भले वो रिश्ता हो, भले वो पैसे हो, हैप्पीनेस हो, जितना जल्दी आया उतना जल्दी चला गया, ठीक है। आप उसको एक्सपीरियंस या इन्जॉय करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है आपको। ऑल्सो हो सकता है कि आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं, या फिर आपके सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ती है, और वो ट्रैवलिंग एग्जॉस्टिव हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो टायरिंग हो जाती है, ठीक है। दैट्स नॉट लाइक अ वेकेशन काइंड ऑफ अ ट्रैवल, बट मे बी डेली ट्रैवल हो सकती है जो बहुत आपको एनर्जी ड्रेन कर देता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड बना देता है। आप जिम नहीं कर पाते हो, आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हो, खाने के टाइमिंग्स एकदम इधर उधर है, पैसों की बहुत ज़्यादा खर्चा है आपका, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल यहाँ पे आ रही है। लेट्स सी और क्या ऑब्स्टिकल्स है ग्रुप टू के लिए। एंड यू हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स। आपके आजू बाजू के लोग आपके लिए बहुत अच्छा सोचने वाले नहीं है, ओके। ज़्यादातर लोग आपसे जेलस फील करते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर आप ऊपर उठ रहे हो तो कैसे आपको नीचे लाया जाए, या फिर कैसे आपके साथ फालतू में ईगो फाइट्स कर सकते हैं, यू नो, आपको खराब प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि आपके आजू बाजू बहुत अच्छे लोग हैं, मेजॉरिटी आर वेरी टॉक्सिक पीपल, ठीक है। आई एम सॉरी टू से, बट ऐसे ही कार्ड्स में आ रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत कोशिश करते हो लोगों के साथ मना के अच्छे से चलने का, बट लोग आपको उस चीज़ का मौका नहीं देते हैं, ठीक है। एंड फाइनली यू हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, जो दिखाते हैं कि आपके लाइफ में आपने चीटिंग, बिट्रेयल, दोगलापन बहुत ज़्यादा देखा है। कुछ लोगों का लिटरल हेल्थ इश्यूज हो सकता है, बैक में स्पाइन रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है, कमर में बहुत इश्यूज हो सकता है, लेग्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्स्टिकल्स जो ग्रुप टू यहाँ पे फेस कर रही है। नंबर 2, 8, 5, 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। अक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कि आपके सोल्यूशन क्या है, कैसे आप इन ऑब्स्टिकल से डील कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ रीडिंग अच्छी लग रही है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर से प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, इससे आपको सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती है। कमेंट करें गणपति बप्पा मोरिया टू क्लेम हिज ब्लेसिंग्स। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए सोल्यूशन क्या है, आपके ऑब्स्टिकल्स, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, क्या बोल रहे हैं बप्पा। लेट्स सी, फर्स्ट मैसेज यू हैव द एम्प्रेस। प्लीज 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 बैलेंस योर फेमिनाइन साइड, यानी कि आप
आपके मैस्कुलिन एनर्जी अभी बहुत हाई चल रही है, आपको फेमिनाइन एनर्जी यानी कि रिसेप्टिव एनर्जी में रहना है, ना कि खुद जाके एक्शन लेके हमेशा सब कुछ करना है, ठीक है। आपने बहुत टाइम तक बहुत हाई मैस्कुलिन एनर्जी में रहे हैं, नाउ इट्स हाई टाइम कि आप थोड़ा सा टाइम खुद को दे, टेक अ ब्रेक, ओके, बिकॉज योर बॉडी नीड्स दैट। अगर आपको इस प्रॉब्लम से, इस साइकिल से बाहर निकलना है, देन यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, और ऐसा कुछ ऑप्शंस आपको ट्राई करनी पड़ेगी जिसमें भले ही वक्त लगे लेकिन वो आपको थोड़ा वक्त देगा, ठीक है, जो आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हो, अपने हेल्थ पे दे सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो ये रीडिंग देख रहा है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ओके। हमेशा काम पे बिजी मत रहिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बेबी। आपको यहाँ पे सोल्यूशन में ये बोला जा रहा है कि जितना अच्छा रिश्ता आप बिल्ड करेंगे आपके फैमिली के फीमेल मेंबर्स के साथ, उतना ज्यादा आपका ये इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। वेदर आपके वाइफ है, मदर है, सिस्टर है, गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, कलीग है, जो भी है, जिनके साथ आप अपना कनेक्शन अच्छा रखेंगे, जितना बैलेंस्ड कनेक्शंस आप बनाएंगे उतना जल्दी आप इन ऑब्स्टिकल से डील कर सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए वो आपके पास आएंगे, बट यू नीड टू इन्वेस्ट। आपके इन्वेस्टमेंट्स इतने अच्छे नहीं है जिसके वजह से पैसे बहुत ज्यादा आपके खर्चा हो जाता है, ठीक है। सो Already you have this abundance, or else आपके life में इस amount का abundance definitely आएगा, but जब वो आए आपको proud या egoistic नहीं होना है, rather आपको थोड़ा सा डोनेट करना है, थोड़ा सा नीडी को हेल्प करना है, जैसे आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से, एंड जो आप कमा रहे हो उसमें सेविंग्स, उसमें इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आ रही है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन यू हैव द फोर ऑफ कप्स। आपके लिए सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ा पास्ट का या फिर जो हो गया उस चीज़ पे फोकस अगर कम करेंगे तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट करना या फिर जो है न्यू चीज़ों को टाइम देना इस आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी ओवर योर दैट आप बहुत ज़्यादा पास्ट को लेके बिजी रहते हैं, पास्ट को लेके सोचते रहते हैं, जिसके वजह से इतना ज़्यादा आप मायूस रहते हैं या सैड रहते हैं, या फिर बार बार ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस में आप जाते रहते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू सॉर्ट दिस थिंग आउट। ये करेंगे, पास्ट से अपना ध्यान हटाएंगे तो यूनिवर्स आपको न्यू अपॉर्चुनिटी देगा जो आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी ग्रुप टू आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। यू हैव द मेन मेल, सो डेफिनेटली आपके लिए आपका जो मेन पर्सन है दैट इज योर स्पाउस और योर लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आइदर ऑलरेडी है या फिर आने वाले है, ठीक है। सो मेक श्योर आप खुद को वैसे प्रिपेयर करें कि उसके लिए वक्त हो। अगर उसके लिए वक्त ही नहीं है तो फिर आप कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं मुझे दिख रहे हैं कि शायद आप मैरिड हो बट यू डोंट हैव टाइम फॉर योर स्पाउस। आप बच्चे, आप घर के काम, आप बाकी सबके लिए इतना करते हैं कि खुद के पार्टनर के साथ आपके क्वालिटी टाइम नहीं है। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर पार्टनर एंड स्पेंड सम टाइम विद दैट पर्सन, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यू हैव गॉट हाउस। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके कनेक्शंस अगर अपने घर वालों के साथ अच्छा नहीं है देन यू नीड टू फिक्स दैट, ठीक है। इट्स हाई टाइम, क्योंकि अगर कोई आप नया एसेट खरीदना चाहते हैं, अगर आप कोई नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से सोच विचार करके डिसीशन लेनी पड़ेगी। और अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये भी मैसेज है गणपति बप्पा से दैट सेव मनी फॉर योर ओन होम, खुद के घर जो है वो बनाने की कोशिश करें, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस और उसके बाद स्पेसिफिक मैसेजेस और ब्लेसिंग्स जो है वो हम हैंड रिटन मैसेजेस से देखने वाले, ठीक है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप नया घर खरीद रहे हो या फिर आप नए घर में शिफ्ट कर रहे हो विद योर पार्टनर। कुछ लोगों का शादी करके नए घर में जा रहे हो, वो चीज भी यहाँ पे आ रही है। वाओ, फॉर योर गाइडेंस यू हैव राधा सोल फ्लेम, ओके, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको वक्त खुद को देना चाहिए, वही मैसेज यहाँ पे आ गया है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आपके लव रिलेशनशिप या ओवरऑल जिसके साथ आप कनेक्टेड है, आपके फैमिली, आपके बच्चे,
उन सब के साथ आपका कनेक्शन, आपके रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन हो रही है, हार्मोनियस हो रही है और हीलिंग आपके लाइफ में आ रही है, चाहे वो फिजिकल मेंटल कोई भी इश्यूज से आप डील कर रहे हो उससे, ठीक है। सो लेट्स सी द हैंड रिटन मैसेजेस। ओके, तीन आ गया है, मैं और चार लूंगी यहाँ पे। लेट्स सी क्या आ रहे हैं आपके लिए स्पेसिफिकली। ग्रुप टू, यू हैव गॉट रिकन्सिलेशन। सो अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे रीयूनियन रिकन्सिलेशन के लिए, तो वो चीज़ हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपके पास्ट लाइफ पर्सन है, परफेक्ट बॉडी, सो डेफिनेटली योर बॉडी इज हीलिंग और आपका जो परफेक्ट बॉडी आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। देन यू हैव गॉट रिजल्ट, कोई एग्जाम दिया था तो उसका रिजल्ट आ रहा है, पास हो जाएंगे आप, अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर स्कूल कॉलेज के लिए। देन यू हैव ट्रांसफर, डेफिनेटली रीलोकेशन इज ऑन द कार्ड्स, ओके, सो आपको कोई ट्रांसफर मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है लव मैरिज, तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं कंग्रेचुलेशंस, ग्रेट, आपके लिए गणपति बप्पा वो चीज ला रहे हैं। ओ माय गॉड, ये वर्ड आई थिंक मैंने कितनी बार बोला है आपके रीडिंग में, आपको समय मिल रहा है, ठीक है, जिस चीज के आपकी लाइफ में कमी है। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये कार्ड्स और सब कुछ ना एक साथ आपके सामने मैं शफल करके निकाल रही हूँ एंड एवरीथिंग जस्ट रेजोनेट्स सो परफेक्टली, ठीक है। एंड बिफोर द लास्ट मैसेज, आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है एंड पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। द लास्ट थिंग जो आपके लिए आ रही है वो है गेटिंग बैक स्टक मनी, तो अगर आपके पैसे कहीं पर अटके हुए हैं तो वो चीजें, वो पैसे आपके लाइफ में वापस आ रही है, ठीक है। कैसी लगी आपको रीडिंग जरूर मेरे को कमेंट करके बताना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज री सेइंग बाय।